हेमंत सोरेन बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। परंपरागत सीट बरहेट छोड़कर बोरियो विधानसभा से उम्मीदवारी का ऐलान कर सकते हैं। बरहेट सुरक्षित सीट है जहां झामुमो की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। सवाल है तो फिर हेमंत सोरेन बोरियो विधानसभा से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वजह लोबिन हेमरम है? दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 5 बार बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके लोबिन हेमरम अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बोरियो विधानसभा सीट से टिकट के वादे पर ही बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा लोबिन हेमरम को पार्टी में लाए। ऐसे में ताला मरांडी और सूर्य नारायण हांसदा पर उनको तरजीह दी जा सकती। सियासी जानकारों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर बोरियो में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राह मुश्किल हो जाएगी। वजह है लोबिन हेमरम। कहा जाता है कि लोबिन हेमरम बोरियो विधानसभा सीट पर केवल तीर कमान निशान की बदौलत ही नहीं जीते, बल्कि आदिवासी वोटों पर उनकी व्यक्तिगत रूप से खासी पकड़ है। यह बात वह 1995 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करके साबित कर चुके। बोरियो में लोबिन हेमरम के पास झामुमो से इतर अपना वोट बैंक है और यह बात लोकसभा चुनाव में वह साबित भी कर चुके। गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी और बीजेपी के ताला मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे लोबिन हेमरम ने उल्लेखनीय वोट हासिल किया था। तर्क है यदि बीजेपी की ओर से लोबिन हेमरम उम्मीदवार नहीं होते तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा बोरियो में सियासी लड़ाई को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि यहां का इतिहास उसके साथ रहा है। लेकिन जब इतिहास बदलने वाला ही पाला बदल चुका है तो चिंता लाजमी है। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि यदि बीजेपी ने लोबिन को उम्मीदवार बनाया तो हेमंत सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। ऐसा इसलिए ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। लोबिन हेमरम के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से संभवतः हेमंत सोरेन ही कड़े प्रतिद्वंदी साबित होंगे। पहले पूर्व सांसद विधायक और मंत्री हेमलाल मुर्मू के नाम की चर्चा थी। कहा जा रहा था कि बागी हो चुके लोबिन हेमरम की जगह हेमलाल मुर्मू को बोरियो विधानसभा सीट से झामुमो मैदान में उतारेगा, लेकिन लोबिन के बीजेपी में आने से समीकरण बदल गए हैं। दरअसल बोरियो विधानसभा में लोबिन हेमरम का अपना वोट बैंक है। इसके साथ जब भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर मिल जाएंगे तो झामुमो की मुश्किलें बढ़ेंगी और तब इसका कार्ड कोई बड़ा नेता ही होगा। और बोरियो के संदर्भ में बरहेट के मौजूदा विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सबसे मुफीद प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लोबिन हेमरम 1990, 2000, 2009 और 2019 में जीत हासिल कर चुके हैं। 1995 में वह निर्दलीय चुनाव जीते। बीजेपी के ताला मरांडी 2005 और 2014 में चुनाव जीते। हालांकि 2019 में जब आजसू पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे तो महज 8,955 वोट ही ला सके, जबकि लोबिन हेमरम यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव जीत चुके हैं और यही बात उनके हक में जाती है। रही बात हेमंत सोरेन की, तो वह 2019 में बरहेट और दुमका सीट से चुनाव जीती। बरहेट के बारे में मशहूर है कि वहां का मतदाता उम्मीदवार का चेहरा नहीं जानता, प्रत्याशी का नाम नहीं पूछता, ईवीएम का बटन दबाते समय जेहन में दिशम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर होती है और उंगलियां केवल तीर कमान के निशान का बटन का पता जानती है। ऐसे में फर्क नहीं पड़ता कि झामुमो ने प्रत्याशी किसे बनाया है। इसी तथ्य के आधार पर हेमंत सोरेन बरहेट छोड़कर बोरियो सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हेमंत सोरेन यदि बोरियो से चुनाव लड़े तो दो काम साध सकते हैं। पहला तो ये कि बोरियो में बीजेपी की राहें मुश्किल करेंगे और दूसरी ओर बरहेट में भी झामुमो के पक्ष में माहौल बनाए रख पाएंगे। बरहेट विधानसभा सीट से हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हो सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। हेमलाल मुर्मू को बरहेट और खुद को बोरियो विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर हेमंत सोरेन संताल परगना की इन दो अहम सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राहें आसान कर सकते हैं। गौरतलब है कि संताल परगना में बोरियो के अलावा हेमंत सोरेन कोल्हान की मनोहरपुर सीट से उम्मीदवारी का ऐलान कर सकते हैं। गौरतलब है कि फिलहाल साहिबगंज और पाकुड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा। बोरियो, बरहेट, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पाकुड़ में कांग्रेस का कब्जा है। एकमात्र सीट राजमहल बीजेपी 2019 में जीत पाई थी। अनंत ओझा लगातार दूसरी बार चुनाव जीती। आंकड़े झामुमो के हक में है, लेकिन इस बार लोबिन हेमरम के पाला बदलने से बोरियो झामुमो के लिए मुश्किल हो गई है। ऐसे में इस मुश्किल को हल करने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोरियो सीट पर दावेदारी पेश कर सकते हैं। यदि हेमंत सोरेन बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़े तो जाहिर है पूरे राज्य की निगाहें यहां होंगी। ऐसा हुआ तो बोरियो में मुकाबला गुरुजी के बेटे और चेले के बीच हो जाएगा। लोबिन हेमरम अक्सर कहते हैं कि वह बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी हमेशा गुरुजी शिबू सोरेन के शिष्य बने रहेंगे। यह मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि
जनवरी 2021 से ही लोबिन हेम्ब्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खूब मुखर रहे हैं, जमकर आलोचना की है। पेशा कानून, सीएनटी एसपीटी एक्ट, खतियान आधारित नियोजन नीति और रोजगार के मसले पर सदन के भीतर और बाहर मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते रहे हैं। अब जब चुनावी मैदान में भी लोबिन बनाम हेमंत की लड़ाई होगी तो मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प ही होगा।